हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे हो। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। और अभी सावन है तो ओम नमः शिवाय तो रहता ही है जुबान पर। और दिन है ये संडे का, टाइम अभी 10 बजे है और मुझे सोफ़े ये यहाँ से जो है हटाने पड़ रहे हैं। वैसे तो कहीं पे भी करने की जगह नहीं है, पूरे घर में जो है तोड़ फोड़ छोटी मोटी हर कमरे में हो रखी है, लेकिन अभी हमारा जो है मास्टर बेडरूम बचा हुआ है उसमें अभी तोड़ फोड़ ऐसी कुछ ना तो करवानी है और ना ही कुछ हुई है। तो यहाँ से मैं एक सोफ़ा सेट हटा के इसको अंदर कर रही, क्योंकि बेडरूम में जगह है काफ़ी सारी, वो काफ़ी बड़ा है और आज ड्राइंग एरिया के यहाँ पे जो है काम होने वाला है। सामने वाली दीवार पर ये टीवी के जो बराबर में है, यहाँ पे कंसोल का जो डिज़ाइन था, कुछ अलमारियाँ सी थी जो पहले आपने देखी भी होंगी, तो वो अभी अभी निकाली हैं भैया ने, क्योंकि इसी दीवार पर कुछ काम होने वाला है तोड़ फोड़ का। और सोफ़े जो हैं गंदे हो जाएंगे, मतलब अभी तक भी गंदे ही हो रहे थे, लेकिन इनके लिए जगह है इस रूम में तो मैं इनको यहाँ पर कर दूँगी। और जो रेड वाला रिक्लाइनर है वो उस पर तो कवर है, तो उसको मैं वहीं पर ही रहने दूंगी। और आज मैंने ना दाल और चावल बनाए थे, क्योंकि सैटरडे तो फास्ट शिवरात्रि का था ना, तो हस्बैंड ने बोला कि दाल चावल बना लो, तो यहाँ पे व्यान और मायरा को दिए थे, मैंने शिवाय को भी दिए थे। शिवाय खा नहीं रहा था तो हस्बैंड इससे बात कर रहे थे कि शिवाय खाना खा लो, लेकिन वो नहीं खा रहा था। और शिवाय कौन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जो ज़्यादातर यहीं पर रहता है लोग में आपको दिखता ही है। और फिर सेम डे ना मम्मी पापा भाभी और सब लोग आए थे सिंदारा देने के लिए, और ये 4 बजे आके लगे थे, वैसे सुबह के निकले हुए हैं, सुबह 8 बजे निकल गए थे, फिर ये पहुँचे हैं पहले मेरी बहन के यहाँ पे। और ये है विराट एंड मम्मी भाभी और दोनों बच्चे आए हैं, क्योंकि मेरा भाई नहीं आया है। और सबसे पहले भाभी ने ना मुझे दूध दिया है फ्रिज में रखने के लिए, भाभी ने बोला कि हम सुबह निकले थे शायद ख़राब ना हो जाए इसलिए पहले दूध रख दो फ्रिज में। तो पहले मेरी सिस्टर के यहाँ पे पहुँचे थे वो, ये लोग सिंदारा देने के लिए, और इनका एक ही दिन में काम हो जाता है क्योंकि हम दोनों पास पास हैं, मैं गाज़ियाबाद में हूँ वो नोएडा में है, तो ज़्यादा दूरी नहीं है। सुबह वहाँ से निकले और 4 बजे मेरे पास आए थे, काफ़ी लेट हो गए। और यहाँ से इनको घर जाना ईजी होता है, यहाँ से सीधा हाईवे पकड़ते हैं और हाईवे अपना जो है वहाँ तक ही पहुँचता है, जिस हाईवे से ये जाते हैं। और फिर मैंने इनके लिए समोसे मंगाए थे, मतलब जोमेटो से ऑर्डर किए थे हस्बैंड ने, तो जितने समोसे आए ना उतनी ही ग्रीन और रेड सॉस उतनी ही आई है, तो ये मैं अलग से ये आपको बता रही थी, भाभी को भी बता रही थी मैं कि जितनी सॉस आई जितने समोसे हैं ना उतनी ही ग्रीन सॉस है और रेड सॉस है। खाना तो इन्होंने जो है मेरी सिस्टर के यहाँ पे खा लिया था, मेरा भाई इसलिए नहीं आया है क्योंकि घर पर तो किसी न किसी को रहना ही होता है, जो छोटी फैमिली होती है ना तो ये सोचना भी पड़ता है कि जब घर अकेले नहीं छोड़ सकते और उधर गाय भैंस भी होती है, कुछ काम भी होते हैं, बाई चांस ये लेट हो जाते हैं तो ऐसा भी होता है, कई बार रुक भी जाते हैं। तो मम्मी पापा और यहाँ में साथ में भैया दूसरे हैं जो गाड़ी लेके आए हैं, मेरा एक ही भाई है और छोटी फैमिली है ना, तो छोटी फैमिली में तो ऐसे ही होता है मैनेज करना मुश्किल होता है। तो भाभी को काफ़ी टाइम हो गया था आए हुए, तो भाभी को आना था। और क्या जब मेरा भाई आता है ना कई बार तो वो अकेला ही आता है, इन सबको लेके नहीं आता, कई बार लेके भी आता है, तो इस बार वो आने के लिए इनको लेके आने के लिए मना कर रहा था। तो मम्मी पापा की सिर्फ ये प्लानिंग थी कि तू यहीं पे रह जा हम चले जाएंगे, तो और घर में कहीं पे भी जगह नहीं है बिठाने की, मतलब पूरा घर ऐसे ही हुआ पड़ा है, तो बेडरूम बचा है उसमें मम्मी पापा और भैया बैठे हैं, तो इसीलिए भाभी मेरे साथ किचन में बैठी थी। और आज ना ड्राइंग एरिया के यहाँ पर भी काम चला हुआ है, तो बस 2 घंटे रुके हैं और 2 घंटे रुकने के बाद इनकी चलने की तैयारी हो गई है। और बस जाते जाते वही है मम्मी पापा अपना जो है देना दाना करते रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो सावन की सिंगाड़ा, सावन की कोथली, तीज की कोथली,
ये सब बोलते हैं। और ज़्यादा नहीं आते हमारे, साल में दो ही सिमदारे आते हैं, एक तो होली पर एकादशी का आता है जिसमें चलाई वलाई का देना दाना होता है, और एक ये आता है सावन में, और एक आता है संक्रांति का, वो भी शुरू में आता है पहली बार जब शादी होती है तो पहली बार ही आता है सबका, और बाद में तो नहीं आता, बाद में कभी कभार आता है, जैसे कोई कंडोलेंस वगैरह हो जाए तब आता है, वैसे ही रीति रिवाज है इस टाइप का। बाकी संक्रांत कभी नहीं आता, तो साल में बस दो आते हैं, और बस इन लोगों के यहाँ पे जाने की है तैयारी, और इनको सबको टाटा बाय बाय, क्योंकि जब घर साफ सुथरा होता है ना, सच में कोई नहीं आता, जब घर में काम फैला होता है ना, कहीं बैठने की जगह नहीं होती, और जब कोई ना कोई आ जाता है, तो ऐसी हालत हो रही थी मेरे घर की तो सच में। और इनके जाने के बाद ना, मैंने जो है घर में झाड़ू लगाई, क्योंकि जो काम करने वाले थे लेबर वो भी चली गई थी, और यहाँ पे ये तोड़फोड़ मची, और इस तोड़फोड़ के चक्कर में ना पूरे घर में डस्ट डस्ट हो रही है, सारे घर में धूल मिट्टी, जो सोफे पड़े हुए हैं ना वो तो सारे गंदे हो गए हैं, क्योंकि बंद घर है, और बंद घर में तो क्या कहते हैं तोड़फोड़ होती है ना, तो ना तो धूल मिट्टी का कहीं जाना और ना ही हमें ही कहीं जाना है, तो बंद घर में तो बस ऐसा ही कि वो घर में ही जमती रहती है। और ये है सुबह सोमवार का दिन, बियान और मायरा स्कूल चले गए थे, मेरा फर्स्ट है, और बारिश यहाँ पे सुबह सुबह ही शुरू हो गई है बारिश, बस मायरा को मुश्किल से छोड़ के आई थी मैं, और 9 बजे के आसपास बारिश यहाँ पे जो है शुरू हो गई थी। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसमें क्या है। भिगोने में मावा। मतलब यार भिगोने में मावा कौन देता है, हमारे भी घर वालों के काम ना, तो नहीं कैसे। हेलो एवरीवन, और आज है सोमवार, मेरा फास्ट है, बारिश भी पड़ रही है, और रात मैंने सामान नहीं दिखाया था ना आपको, तो मावा तो मैंने दिखा दिया आपको, मावा आया है भिगोने में। और सामान में हमारे यहाँ पे ये आता है घेवर, गुंजियाँ, और जो है घर से कुछ बना के दे दो अपने आप से, मम्मी देती है ऐसी मिठाई विठाई, लेकिन इस बार मावा आया है, और बच्चों के कपड़े, साड़ी, तो साड़ी तो मेरी ग्रीन कलर की है, तो मेरे सावन में तो काम आ जाएगी, और मैं इसको ना फॉल लगा के और मैचिंग ब्लाउज के साथ जल्दी ही आपको जो है व्लॉग में पहनते हुए दिखाई दूँगी। और इसका कपड़ा ना बहुत अच्छा है, मतलब मेरे बॉडी टाइप का है, और मतलब मम्मी को पता है, मेरी सबको पता होता है अपने बच्चों के बारे में कि कैसे कपड़े पहनते हैं कैसे नहीं, तो मैं लाइट वेट साड़ी पहनती हूँ ज़्यादातर, और मेरी बॉडी में ना इचिंग सी होती है, तो इसीलिए फैब्रिक भी बॉडी के हिसाब से ही होते हैं। सामान्य क्या आता है थोड़ा सा, नहीं मतलब जितना भी चाहिए होता है उतना घेवर आता है, और मट्टी आती है, कुंजियाँ भी आई हैं, और मावा तो आई है भिगोना भर के, लेकिन इन सब की ना ज़रूरत नहीं थी इस बार, पता है क्या करना था, 8-10 किलो टमाटर ही ले आते, वही बहुत, 4-4 टमाटर दे देती मैं पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में तो टमाटर ही बांट देते अपना, और क्या कुछ बचते तो मेरे काम भी आ जाते। तो ये मेरे ना पहले इस आइडिया नहीं आया, अगर आ जाता ना तो मैं तो टमाटर ही मंगा लेती 8-10 किलो, और आप बताना मेरी जो है सिंदारा कोथली, या फिर सावन की कोथली, तीज की कोथली, तीज का सिंदारा, हमारे यहाँ तो वैसे यही कहते हैं सावन का सिंदारा, लेकिन कहीं कहीं पर ना तीज का
तीज की कोथली, सावन की कोथली ऐसे बोलते हैं। तो आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।